तो इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, इस पाठ का शीर्षक है दिति की संध्या काल में गर्भधारण। तो हमने इससे पहले देखा था कि किस प्रकार समय सही नहीं था जब दिति अपने पति कश्यप मुनि के साथ में संभोग चाहती थी पुत्र उत्पत्ति के लिए। असमय होने के कारण उनके गर्भ में दो पुत्रों का जन्म होगा जो राक्षस वृत्ति के होंगे, आसुर होंगे। तो जब कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को बताया कि तुम्हारे इस प्रकार से गलत समय में संभोग करने के कारण तुम्हारे पुत्र असुर होंगे और वो सभी भगवान के भक्तों को जो इस भौतिक संसार के अंदर में जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सबको अनेकों प्रकार के कष्ट देंगे, तो दिति जो है बड़ी खिन्न हो गई, बड़ी दुखी हो गई सुनकर के। लेकिन आगे कश्यप मुनि कहते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी अच्छी खबर भी है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों असुर होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा, तुम्हारा जो ग्रैंडसन होगा, वो जो है भगवान का महान भक्त। तो ये दिति के लिए बड़ा ही हर्ष का कारण था, क्योंकि दिति अत्यंत दुखी थी ये सुनकर के कि उसके दोनों पुत्र जो है असुर होंगे। कौन पिताजी, कौन माताजी दुख नहीं होगी अगर उसको पता लगे कि उसके बेटे नालायक राक्षस असुर होंगे। तो इसी प्रकार से दिति जो है अत्यंत दुखी थी, लेकिन कश्यप मुनि ने बताया कि इसके बावजूद भी तुम्हारे लिए एक प्रसन्नता का कारण ये रहेगा कि तुम्हारा ग्रैंडसन पौत्र जो है वो भगवान का महान भक्त बनेगा। और वो कौन है? प्रहलाद, भगवान के जो है अत्यंत महान भक्त। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हर्ष का कारण दिति को बताया कि तुम्हारे पुत्र राक्षस जरूर होंगे, असुर जरूर होंगे, लेकिन उनका बड़ा सौभाग्य होगा, उनका इतना महान भाग्य होगा कि स्वयं भगवान के हाथों के द्वारा वो मारे जाएंगे। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। हमें तो भगवान के दर्शन भी नहीं प्राप्त होते हैं, और यहां पर भगवान न केवल उनको दर्शन देंगे, भगवान जो है इन दोनों राक्षसों को स्वयं अपने हाथों के द्वारा मारेंगे। ये एक बड़ा सौभाग्य जो है इन दोनों राक्षसों को प्राप्त होगा, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को। तो ये भी जो है दिति के लिए बड़ी ही जो है प्रसन्नता की खबर थी। तो यही यहां पर बताया गया है कि मैत्रेय बता रहे हैं, श्रुत्वा भागवतम पौत्रम, ये सुनकर के कि मेरा पौत्र जो है, मेरा ग्रैंडसन जो है भगवान का महान भक्त होगा, भागवतम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान की, भगवान से ये शब्द आता है भागवत, भागवतम। ये दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होती है पुस्तक भागवत, ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति या पुरुष भागवत। दोनों ही भागवतों की सेवा वेदों के अंदर में अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। अगर हम भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं,
तो हमें भागवत सेवा करनी चाहिए। भागवतम में कहां कहा है ऐसा? भागवतम में बताया है डेली नित्य भागवत की सेवा करनी चाहिए। क्या कहा है? नित्यम भागवत सेवया। तो उस उपरांत में प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत सेवा दो प्रकार से होती है, एक पर्सन भागवत और एक ग्रंथ भागवत। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ग्रंथ भागवत है, और जो पर्सन भागवत है, जो व्यक्ति भागवत है, उसने ग्रंथ भागवत को अपने जीवन में उतारा हुआ है। भगवान का महान भक्त जो है बाहरी पोशाक के द्वारा, बाहर की पर्सनालिटी के द्वारा नहीं पहचाना जाता है। भगवान का महान भक्त जो है उसने भागवत को अपने जीवन में उतारा है कि नहीं, उसके द्वारा उसको समझा जाता है। तो प्रहलाद महाराज ऐसे महान भागवत उत्तम अधिकारी भगवान के शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जी बताते हैं, यहां पर दीति इतनी प्रसन्न क्यों होगी उसकी वजह से? प्रसन्नता का क्या कारण है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए मान लीजिए बहुत अंधकार है, रात्रि बढ़ गई है, सब जगह अंधेरा है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस समय में अगर आकाश के अंदर में हजारों स्टार्स, हजारों सितारे भी अगर आपको नजर आ जाएंगे, संसार का जो अंधकार है वो दूर होने वाला नहीं। लेकिन मान लीजिए जैसे आज पूर्णिमा का दिन है, आप देख रहे हैं आज भगवान का अलंकार देख पाएंगे आप बाद में, आज जो है स्पेशल अलंकार भगवान का, पूर्णिमा का दिन भगवान को जो है पूरे वृंदावन में भी सफेद वस्त्र, चंद्र के समान वस्त्र जो है पहनाए जाते हैं। श्री कृष्ण बलराम की जय, गौर नेताय की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो चंद्रमा अगर रात्रि के समय में, वो भी पूर्णिमा का चांद अगर आकाश में आ जाता है, तो पूरी रात्रि का अंधकार जो है चला जाता है। इसी प्रकार अगर रात है और आप देखें घोर अंधकार है और सूरज जो है उदित हो जाता है सवेरे, तो सारा अंधकार चला जाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान का एक उत्तम भक्त, भगवान के एक महान भक्त जिसे भागवत कहते हैं, भागवत पुरुष कहते हैं, एक व्यक्ति भी इस भौतिक संसार में अगर जन्म लेता है तो वो पूरे संसार के लिए एक सूर्य, एक चंद्रमा की तरह घोर अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं। इसलिए दीति इतनी प्रसन्न है कि मेरे दोनों बेटे असुर हैं, मेरे दोनों बेटों के द्वारा पूरे भौतिक संसार में उथल पुथल मचाया जाएगा, लेकिन मेरे एक पौत्र आएंगे प्रहलाद, जिनकी वजह से ये सारा अंधकार दूर हो जाएगा। इसलिए दीप्ति अत्यंत प्रसन्न है। तो हमें इससे बड़ा एक महत्वपूर्ण अपने जीवन के लिए एक पाठ लेना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं
कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मेरे माता पिता ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। तो अगर हम उनकी उनका ऋण अदा करना चाहते हैं, है ना, इंग्लिश में डेट कहते हैं, क्योंकि वेदों के अनुसार बताया गया है जब हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के ऋणी हो जाते हैं। किस किस के ऋणी हो जाते हैं? ऋषियों के ऋणी हो जाते हैं, अपने पूर्वजों के ऋणी हो जाते हैं, देवताओं के हम लोग ऋणी हैं। तो अनेकों प्रकार के हमारे ऊपर में ऋण होते हैं। देव ऋषि भूता आपता, देव लोग हैं, ऋषि लोग हैं, उन्होंने हमें पुराण दिए हैं। देव ऋषि भूता बाकी के जीव लोग हैं। गाय से हम लोग जो है दूध लेते हैं, हम गाय के भी ऋणी हैं। निर्नाम मनुष्य समाज के भी हम लोग ऋणी हैं। पितृणाम हमारे पूर्वजों के भी ऋणी हैं। तो वेदों के अनुसार हम बहुत लोगों के ऋणी हैं। हम लोग ऋण चुकाना चाहते हैं, अपने मां बाप का ऋण चुकाना चाहते हैं। तो वेदों के अनुसार बताया गया है, सबसे बढ़िया तरीका अगर हम लोग अपने मां बाप की भलाई करना चाहते हैं, समाज की भलाई करना चाहते हैं, तो अगर हम स्वयं एक भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं, एक चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, तब हम लोग जो है पूरे संसार को रोशन कर सकते हैं, न केवल अपनी फैमिली को। ये प्रश्न जो है भागवत में है। जब प्रह्लाद महाराज हिरण्यकशिपु के वध होने के बाद में भगवान के गले में जो है माला अर्पण करते हैं, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर के भगवान जो है प्रह्लाद महाराज को कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं, वर देना चाहते हैं, लेकिन प्रह्लाद महाराज मना कर देते हैं। प्रह्लाद महाराज कहते हैं कि भगवान, मैं वणिक नहीं हूं, मैं कोई मर्चेंट नहीं, मैं कोई व्यापारी नहीं कि मैंने आपको प्रसन्न किया, अब बदले में मुझे कुछ चाहिए। व्यापार होता है ना, लेन देन, लेन देन होता है। वो कहते हैं कि भगवान, प्रेम भक्ति में कोई लेन देन नहीं है, मैं आपसे कुछ लेन देन नहीं करना चाहता। फिर भी भगवान अत्यंत प्रसन्न थे, कहा कि नहीं प्रह्लाद, फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तब प्रह्लाद ने क्या पूछा? प्रह्लाद महाराज भगवान से कहते हैं कि भगवान, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपा करके मैं अपने पिताजी के बारे में सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि उनकी क्या गति है। वो हमेशा आपसे ईर्ष्या करते थे, 24 घंटे आपके बारे में जो है ईर्ष्या रूप में, एक दुश्मन के रूप में, एक वैरी के रूप में सोचते थे। उनकी क्या गति होगी भगवान? तो मैं उनके बारे में कुछ सोच रहा हूं कि भगवान, कम से कम उन्हें जो है संसार से मुक्ति प्रदान करो। देखिए, ये भगवान के भक्त के महान लक्षण है। उनके पिता ने अपने बेटे का वध करने के लिए कितने तरीके अपनाए, उसके बावजूद भी उनका बेटा जो है अपने पिता के उद्धार के बारे में सोच रहा है कि मेरे पिता जो है असुर थे, आपसे वैर रखते थे, उनकी गति दुर्गति क्या होगी? तब भगवान कहते हैं, प्रह्लाद तुम चिंता मत करो, जिस घर में तुम्हारे जैसे महान भक्त ने जन्म लिया है उसके पिताजी की तो बात छोड़ो, उसके 14 जनरेशन, 14 जनरेशन लिबरेट हो गए। पीछे वाले 7 पूर्वज लोग
और आने वाली आगे 7 पीढ़ियां, 14 जनरेशंस आर लिबरेटेड। तो जरा सोचिए कितना बड़ा, अगर हम लोग कुछ भलाई करना चाहते हैं, न केवल अपनी फैमिली के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए, तो इससे बढ़िया कोई उद्धार नहीं है कि जैसे यहां पर दिति का महान भाग्य है कि उनकी फैमिली में ऐसे भागवत ने जन्म लिया। तो दो प्रकार के भागवत होते हैं। हम लोग सोचेंगे नहीं, यहां पर तो प्रेडिक्शन की गई है, प्रहलाद महाराज भागवत हैं, उनका जन्म होगा, हमारे बारे में कहां प्रेडिक्शन है कि हम लोग भगवान के महान भक्त बनेंगे। तो वेदों में बताया है दो प्रकार से भगवान के जो हैं भक्त होते हैं। एक होते हैं नित्य सिद्ध, जो हमेशा से, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, वो भगवान के जन्म से ही महान भक्त हैं, ये नित्य सिद्ध डिवोटीज हैं। लेकिन दूसरे भी होते हैं जिन्हें कहा जाता है साधना सिद्ध। साधना सिद्ध का मतलब होता है, हो सकता है कि हम भगवान के महान भक्त ना हो, हो सकता है कि हमारे अंदर में आसुरिक प्रवृत्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे महान भागवत भक्त जैसे प्रहलाद महाराज हैं, ऐसे महान भक्तों के आदेशों का पालन करें, इन महाजनों का संग करें, इनकी कृपा के द्वारा, साधना भक्ति के द्वारा हम लोग जो हैं सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि हम प्रहलाद महाराज की तरह सौभाग्यशाली नहीं हैं कि बचपन से ही हम भगवान के महान भक्त हों। हम लोग ऐसे उदाहरण देख सकते हैं भागवत में भी। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं नारद मुनि का। नारद मुनि का जन्म एक अच्छे घराने में नहीं था। नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र मात्र थे, लेकिन वो भगवान के इतने महान भक्त कैसे बने? क्योंकि चतुर्मास के समय में जब महान भक्त लोग वहां पर रुकते थे, तो उनकी मां जो है उनकी सेवा में परायण रहती थी, और उस समय में नारद मुनि को ये अवसर प्राप्त होता था इन महान भक्तों का संग करके उनकी सेवा करने का। तो इस प्रकार से उनके संग के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए आदेशों के द्वारा पालन करके, भगवान की भक्ति करके, नारद मुनि ने साक्षात भगवान के दर्शन किए। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भी नारद मुनि के, उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशा के द्वारा उनको भी साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो अगर हम सबसे बढ़िया भला करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद भी चाहते थे कि मेरे जितने भी डिसाइपल्स हैं, मेरे जितने भी शिष्य हैं, मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता तब होगी जब वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाएंगे। क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति में लगने से हमें जीवन की सर्वश्रेष्ठ भगवान के कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का कृष्ण प्रेम जो है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, इस भौतिक संसार में हम लोग एक बूंद आनंद के पीछे इतना परिश्रम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, प्यास लगने के बाद में आप उसे एक बूंद पानी दे दो, उसकी प्यास नहीं बुझती है। ये भौतिक संसार का आनंद एक बूंद के बराबर है।
भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति का आनंद सागर के बराबर है, और वो भी ऐसा सागर है जिसमें आनंद केवल बढ़ता रहता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम, ये भौतिक संसार में कोई भी सागर जो है, समुद्र, अपनी जगह से बढ़ता नहीं है, लेकिन आनंद का सागर, प्रेम के आनंद, भक्ति के आनंद का सागर हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए दिति इतनी प्रसन्न है कि कोई बात नहीं, मेरे बेटे लोग असुर होंगे लेकिन मेरा ग्रैंडसन, मेरा पौत्र जो है वो भगवान का महान भक्त बनेगा। तो अगर कोई भगवान की भक्ति में जा रहा है, आपके पुत्र या आपके पौत्र भगवान की भक्ति में जा रहे हैं, हमें दुखी होने की जगह हमें बड़ा खुश होना चाहिए। जैसे यहां पर दुख जो है, दिति बड़ी प्रसन्न है। कई बार हम लोग रोते हैं धोते हैं, अरे मेरा बेटा सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा में चला गया। हमें ये पता नहीं है कि एक दिन केवल ना मुझे छोड़ करके जाएगा, हम सबको संसार छोड़ करके जाना है। उस संसार को छोड़ करके जाने से पहले अगर हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त कर लें तो ये सर्वोत्तम उपलब्धि हमें जो है मानव जीवन में प्राप्त हो सकती है, ये हमें ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यहां पर दिति जो है अत्यंत प्रसन्न है, उसका मन जो है, जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, भृशम। भृशम मतलब जितना उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो इतनी दुखी थी ये सुनकर के कि मेरे पुत्र असुर हैं, उसको सुनकर के अत्यंत पीड़ित थी। लेकिन जब उसने सुना कि मेरा पौत्र जो है, ग्रैंडसन, भगवान का महान भक्त होगा, भृशम, उसका मन जो है जितना उसने सोचा भी नहीं था उससे भी अधिक प्रसन्न था। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं, दूसरा क्या कारण था दिति का प्रसन्न होने का, आदिराज प्रभु? बहुत बढ़िया। दूसरा दिति का प्रसन्न होने का कारण यह था कि मेरे पुत्र जो हैं असुर हैं, लेकिन इतने सौभाग्यशाली होंगे स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाएंगे, और भगवान के द्वारा मारे जाने का मतलब क्या है, उन्हें इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति होगी, लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हम लोग देख सकते हैं कृष्ण लीला में जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल को मुक्ति की प्राप्ति हुई। कृष्ण लीला में जब भगवान ने कंस का वध किया, कंस को इस संसार से मोक्ष मिल गया। भगवान ने पूतना का वध किया, पूतना को भी जो है इस संसार से मोक्ष मिल गया। जिस मुक्ति के लिए ऋषि लोग सांसारिक सुखों को त्याग करके जंगलों में जाकर के हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं, एक जीवन नहीं अनेकों जीवन तक, उसके बाद में जाकर के भौतिक संसार से मुक्ति मिलती है। क्योंकि देखिए आसान नहीं है, पहले हम लोग जानते हैं ना, धर्म, अर्थ, काम, फिर जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतना आसान काम नहीं है। हम लोग धर्म, अर्थ और काम में फंसे रह जाते हैं, मुक्ति के बारे में तो हम लोग सोचते भी नहीं है। तो ये मुक्ति जो ऋषि लोगों को भी अनेकों जीवन के बाद में प्राप्त होती है, दिति को इतनी प्रसन्नता हो रही है कि अरे भाई मेरे बेटों को तो जो है इतनी घोर तपस्या की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान के हाथों के द्वारा मारे गए और सीधा उन्हें जो है मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए दिति जो है अत्यंत प्रसन्न है।
तब हम लोग सोचेंगे कि तो भैया तो बड़ी बढ़िया बात हो गई, फिर तपस्या की क्या जरूरत है, हम भी भगवान से बैर बना लेंगे, लेकिन हम भी कंस की तरह सोचेंगे कि भगवान मेरा दुश्मन है, मैं भी असुर बन जाऊंगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि भगवान आपको मारने के लिए आएंगे, क्योंकि छोटे मोटे असुर को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं, है कि नहीं। भगवान के बहुत सारे एजेंट्स हैं मारने के लिए, एक सुनामी आ गई तो हजारों हजारों राक्षस लोग मर जाते हैं, एक ये वायरस जो चल रहा है, कौन सा वायरस चल रहा है है ना, कोरोना वायरस, वो वायरस आ गया तो हम लोग देखते हैं हजारों लोग पीड़ित होकर के जो है उसमें मर जाएंगे। भगवान के पास में बहुत सारे एजेंट है मारने के लिए, तो भगवान को जरूरत नहीं है राक्षसों को मारने के लिए। इसलिए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बहुत सौभाग्यशाली हैं, भगवान की इच्छा मात्र करने से, इच्छा मात्र करने से माया जो है इस भौतिक संसार में मार सकती है। ये भौतिक संसार जो है इसका नाम है दुर्गा, और आपने देखा होगा दुर्गा कैसे राक्षसों का वध करती है, भगवान को आने की जरूरत नहीं है, दुर्गा के हाथ में जो है त्रिशूल है ना, क्या नाम है उनका, मर्दिनी कुछ बोलते हैं ना, महिषी मर्दिनी, हम लोग देख सकते हैं हाथों के अंदर में जो है भाला है, एक हाथ में जो है माला है, गले के अंदर में ऑल डेड बॉडीज, डेड सिर की, तो इस प्रकार से है, भगवान को आने की जरूरत नहीं है। इसलिए दिति बड़ी प्रसन्न है कि मेरे बेटे असुर होने के बावजूद भी इतने भाग्यशाली हैं, इनको मारने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, और इस प्रकार से भगवान के मारे जाने से इनको मुक्ति की प्राप्ति होगी। भक्त जो है इससे प्रेरणा इस प्रकार की नहीं लेते, भक्त सोचता है कि ऐसा नहीं कि मुझे दुश्मन बनना है, ये तो बड़ी बढ़िया बात हो गई कि भाई असुर बनने से भगवान जो है स्वयं मारने के लिए आएंगे। भक्त जो है सोचता है, अरे देखो अगर असुरों को ये गति प्राप्त है कि भगवान के मारे जाने मात्र से उनको जो है संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो गई, भगवान की भक्ति करने से कितना अत्याधिक जो है उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर भगवान से वैर रखने से इतना लाभ प्राप्त हो सकता है, भगवान से प्रेम रखने से कितना अत्याधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, कितने गुणा इससे लाभ की प्राप्ति होगी, वो हमें सोचना है। भक्त गलत प्रेरणा नहीं लेता है, भक्त सोचता है अगर मैं भगवान की भक्ति, अगर असुर ने भगवान की भक्ति नहीं करी लेकिन फिर भी भगवान ने जो उसके ऊपर इतनी कृपा दिखाई कि उसकी मुक्ति की प्राप्ति हो गई, अगर मैं प्रेम के द्वारा भगवान की भक्ति करूंगा तो उसका क्या कहना है, ये हमें समझना है। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, भगवान एब्सोल्यूट है, भगवान परम है, उनके हरेक कार्य परम होते हैं। कई बार हमें ये देखने से लगेगा भगवान जो है असुरों के लिए इतने क्रूर क्यों हैं, है ना, भगवान ने आकर के हिरण्यकशिपु की हत्या की, भगवान ने रावण का वध किया, भगवान ने कंस का वध किया, और हम लोगों ने भगवत गीता में भी सुना है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति लोगों को मारने के लिए भगवान और साधुओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। कई बार विचार उठ सकता है कि भगवान ये इतने जो है पार्शियलिटी क्यों करते हैं, राक्षस लोगों को मारते हैं और जो भगवान की सेवा में लगा है उनके लिए भगवान जो है मर्सीफुल है, उनके लिए कृपालु है।
ऐसा नहीं है, हमें सही प्रकार से समझना है। अपना ही उदाहरण लेकर के सोचिए, आपका एक पुत्र, आपका आपके दो पुत्र हैं मान लीजिए, आपका एक पुत्र जो है बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा विनम्र भाव का है और सभी लोगों की भलाई करता है, लोग उससे प्रसन्न हैं, उसके द्वारा लोगों को खुशी की प्राप्ति होती है। दूसरा एक पुत्र नालायक है, दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी पिता जो है दोनों के लिए ही करुणा करता है। एक बेटे को जो दूसरों को भलाई कर रहा है उसको इनकरेजमेंट देगा, बहुत बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया, और इस प्रकार से बढ़िया काम करो, करेक्ट? तो क्या उसको शाबाशी देना पार्शियलिटी है? पार्शियलिटी नहीं है। दूसरा बेटा जो नालायक है, गलत रास्ते पर जा रहा है, पिताजी कठोरता के साथ उसके साथ पेश आता है, हो सकता है उसको 2-3 थप्पड़ भी मारे, वो भी पिताजी की कृपा है। पिताजी के लिए दोनों बेटे बराबर हैं, एक नालायक है लेकिन दोनों के लिए रास्ता अलग अलग अपनाना पड़ता है, लेकिन कृपा दोनों के लिए है। इसी प्रकार से भगवान की कृपा सबके लिए है, भगवान की कृपा सबके लिए है, असुरों के लिए भी है भगवान की कृपा। ऐसा नहीं कि असुर के लिए भगवान की कृपा नहीं है, यही हम लोग देखते हैं। भगवान की इतनी कृपा है कि देखिए, भगवान ने जब थप्पड़ मारा या भगवान ने जब उसका वध किया, उसको जो है मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसी से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु। तो भगवान इसलिए परम है। भगवान का वॉयलेंस, अहिंसा या हिंसा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारी हिंसा और हमारी अहिंसा में अंतर है। हम लोग जब हिंसा करते हैं तो दूसरों को पीड़ा देते हैं, लेकिन भगवान जब हिंसा करते हैं, जिसके ऊपर हिंसा करते हैं उसका भी उद्धार, बाकी लोगों का तो उद्धार ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। राक्षस का वध करेंगे तो बाकी लोग तो आनंदित होंगे ही, लेकिन राक्षस का भी उद्धार है, ये हमें समझना है। ये भगवान की जो है महान कृपा है। भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसके बारे में प्रभुपाद जो है बड़ा सुंदर अर्थ समझाते हैं। ये समझना देखिए कितना महत्वपूर्ण है, भगवान कितने करुणामयी हैं। घोर राक्षस जो 24 घंटे भगवान के बारे में जो है दुश्मन के रूप में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को तो हम लोग पानी भी नहीं देंगे, करेक्ट है ना? कोई हमारा दुश्मन बन जाए, हम बोलेंगे अरे तू बिना पानी के मरे तो बढ़िया है। और भगवान देखिए कितने महान है। ऐसा राक्षस जो 24 घंटे भगवान से दुश्मनी रखता है, ऐसा था कंस जो है 24 आवर्स भगवान के बारे में सोचता था दुश्मन के रूप में। ऐसे राक्षसों के ऊपर भी भगवान की कृपा है। वो कितना दयालु है जरा हमें समझने का प्रयास करना है, तब हमारी जो है भगवान के प्रति प्रेम भक्ति बढ़ेगी। जब तक हम लोग भगवान के बारे में साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचेंगे समझेंगे, ऑफिशियली आएंगे मंदिर में घंटी बजाई बस प्रणाम किया और चले गए, कुछ फायदा नहीं है उसका ज्यादा। हमें भगवान के बारे में समझना है, सुनना है, उसके द्वारा भगवान के प्रति जो है हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा प्रेम बढ़ेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भगवद गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान बताते हैं जो असुर अपने शरीर को भी पीड़ा देता है, अपने हृदय के अंदर में परमात्मा को भी पीड़ा देता है। क्यों पीड़ा देता है? पिताजी को तो दुख होगा ना, अगर उसका बेटा नालायक बन के लोगों को दुखी कर रहा है, लोगों को पीड़ा दे रहा है,
किस पिताजी को दुख नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो उसकी संतान है उन लोगों को पीड़ा देगा, तो एक भाई बाकी भाइयों को पीड़ा देगा तो पिताजी को दुख नहीं होगा। भगवान कहते हैं जो आसुरिक वृत्ति का व्यक्ति है अपने आप को भी पीड़ा दे रहा है, शरीर के अंदर में उसके हृदय के अंदर में जो परमात्मा है उसको भी पीड़ा दे रहा है, क्योंकि भगवान सबका पिता है, वो देख रहा है कितना असुर है ये, और बाकी लोगों को भी पीड़ा दे रहा है। भगवान कहते हैं ऐसे दुष्ट राक्षस वृत्ति के लोगों को भगवान श्लोक में कहते हैं ताम अहम दिशतः क्रूरान, ऐसे क्रूर और द्वेषी व्यक्ति को, क्रूरान दिशा मतलब द्वेष रखने वाला व्यक्ति को, संसारेषु नराधमान, इस संसार में जो नरों में भी अधम है, शिपामि अज्रसम अशुभम आशुरी एव योनिषु, ऐसे लोगों को अगले जीवन में मैं असुर योनियों में डाल देता हूं। अज्रसम अशुभम, जो शुभ योनि नहीं है इस प्रकार की योनि में डाल देता हूं। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बताते हैं ये भी उनके लिए भगवान की दया है। जब गवर्नमेंट असुर लोगों को जेल में डालती है वो उनके ऊपर दया है, क्यों? एक तो आगे वो इतने सारे कुकर्म ना करें, बाकी लोगों को उस प्रकार से अपनी आसुरिक वृत्ति से कष्ट ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं खेती में, अगर हम लोग चाहते हैं कि धन धान्य लगाएं तो घास तो निकालनी पड़ेगी, बिना घास निकाले अगर आप पानी डालोगे घास में भी पानी जाएगा, घास निकालोगे तभी आपकी फसल बढ़िया होगी। तो धर्म अगर हम लोग चाहते हैं तो अधर्म को तो निकालना पड़ेगा, इसलिए भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान तो उस कार्य के लिए आते ही है, लेकिन ये हमें समझना है कि वो उनके लिए बढ़िया है। एक तो क्यों? क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जितने हम लोग कर्म करेंगे उतना भुगतना पड़ेगा आगे। भगवान क्या करता है, आगे इन लोगों को ज्यादा पीड़ा ना भुगतनी पड़े इसलिए जेल में डाल देता है। सरकार भी यही करती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, आगे और ज्यादा ये लोग कुकर्म करके और ज्यादा ना भुगते इसलिए उनको जो है अलग कर दिया जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं इन लोगों को अशुभ और आसुरिक योनि में भगवान डाल देते हैं। ये पनिशमेंट भी भगवान की दया है, ये हमको समझना है। जिस प्रकार से सूरज या बारिश जो होती है वो कोई पार्शियलिटी नहीं है, जब सूरज की किरणें चमकती हैं तो सूरज की किरणें ये नहीं देखती कि ये चंडाल का घर है ये ब्राह्मण का घर है, देखती है भाई तुम चंडाल के घर में जन्म लिया है तुम्हारे घर में रोशनी नहीं आएगी, नहीं ऐसा। सूरज की रोशनी सबके लिए है, लेकिन अगर आप अपने घर के दरवाजे बंद कर ले खिड़कियां बंद कर ले तो बेचारी सूरज की रोशनी क्या करेगी। अवेलेबल सबके लिए, भगवान की कृपा सबके लिए अवेलेबल है, हम लोग अपने पर्दे बंद कर दे हम ले ही लेना चाहते हैं तो भगवान क्या करेंगे। तो भगवान सबके लिए बराबर है, समो हम सर्वभूतेषु, ना भगवान किसी से द्वेष रखते हैं ना कोई भगवान के लिए प्रिय है, लेकिन जो भगवान के ऊपर निर्भर है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो एक बहुत सुंदर, एक प्रभुपाद जी जो है एक लेक्चर में बड़ा सुंदर वृतांत बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं देखिए भगवान की कृपा जो है सबके लिए है। तो उसमें कहते हैं जब सूर्य की रोशनी निकलती है तो सूर्य की किरणें नहीं देखती हैं कि ये व्यक्ति पुण्यवान है या इसने पाप कर्म किए हैं, दोनों के लिए ही सूर्य की रोशनी अवेलेबल है।
प्रभुपाद कहते हैं इसे कहा जाता है भगवान की दया। जब भगवान की कृपा होती है वो सबके लिए है, तुम पापी हो या पुण्य आत्मा हो, सबके लिए भगवान की कृपा अवेलेबल है। फिर प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से बादल होता है, बादल जो है कोई भेदभाव नहीं करता है मुझे कहां पर बारिश करनी है। एक समुद्र है, समुद्र के अंदर में भी बारिश होती है। देखिए समुद्र को पानी की जरूरत नहीं है, समुद्र के अंदर में कितना पानी है उसके बावजूद भी समुद्र के अंदर में पानी की बारिश होती है, वहां पर भी बरसात होती है, वहां पर भी वर्षा होती है। एक पत्थर है, पत्थर को जो है पानी की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ी हमको खेत लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, हमको तो जमीन के ऊपर लगाने हैं। कहीं पर पहाड़ है उसको पानी की जरूरत नहीं है, खेतों में किसान लोगों को तो पानी की जरूरत है, पहाड़ के ऊपर किसको पानी की जरूरत है। लेकिन फिर भी देखिए बारिश वहां पर भी गिरती है, बारिश समुद्र में भी गिरती है जिसको पानी की जरूरत नहीं है, बारिश पत्थरों के ऊपर भी गिरती है जिसको भी पानी की जरूरत नहीं है, और बारिश जो है जमीन के ऊपर भी गिरती है जिसको पानी की जरूरत है। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की कृपा भी इसी प्रकार से है, जिसको जरूरत है जिसको जरूरत नहीं है सबके लिए भगवान की कृपा है। जो आज लोग नास्तिक भी हैं, जिसको भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं है, कौन भगवान, कैसा भगवान, मैं सब कुछ, उसको भी खिलाने वाला भगवान ही है। भगवान की करुणा देखो कितनी है। जो नास्तिक है जो भगवान से कह रहा है कि तू कुछ नहीं है मैं ही सब कुछ हूं, उसको भी भगवान दे रहा है। ये भगवान की जो है अत्यंत कृपा है। तो भगवान कितने दयालु हैं ये हमें जरा समझना है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमको समझना है कि एक्चुअली कई बार बाहरी रूप से भगवान हमें कठोर नजर आ सकते हैं, लेकिन हमें समझना है वो भी भगवान की कृपा है। कई बार डिवोटीज लोग दुखी हो जाते हैं, प्रभु जी भगवान की भक्ति कर रहा हूं जीवन में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी कई बार हम लोग भगवान का हाथ नहीं देख पाते हैं। लेकिन भक्तों को समझना है कि एक्चुअली भक्त के जीवन में हमेशा भगवान का हाथ रहता है। जैसे मान लीजिए भागवतम के अंदर में हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जी जो एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, परीक्षित महाराज, उनको नाम दिया गया है विष्णु राता। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने गर्भ में जाकर के, उनकी मां के गर्भ में जाकर के जो है उनकी रक्षा की थी। जब अश्वत्थामा ने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जैसे आजकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं ना उसी प्रकार का ब्रह्मास्त्र होता है, बहुत गर्मी पैदा हो जाती है, तो ब्रह्मास्त्र जो है उसकी मां के गर्भ की तरफ गया और इस बच्चे को मारना चाहता था जो अभिमन्यु की जो है पत्नी उनके पेट में था। तो उस समय भगवान ने वो ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर लिया, एक कवच बना करके परीक्षित महाराज की रक्षा की, इसलिए उनका नाम है विष्णु राता। तब हम लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, देखिए भगवान ने जन्म के टाइम में परीक्षित महाराज की इतनी रक्षा की, लेकिन बाद में जब उसी परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी ने जब उनको शाप दे दिया, तुम्हारी मृत्यु सातवें दिन, आज से सातवें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है एक सांप के काटने से, भगवान ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की, है ना? पूछ सकते हैं।
परीक्षित महाराज भी होते तो पूछ सकते थे, भगवान जन्म के टाइम में आपने मेरी रक्षा की, ब्रह्मास्त्र आने वाला था आपने जो है कवच बना करके रक्षा की, अब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं भगवान, पूछ सकते थे। लेकिन देखिए परीक्षित महाराज ने किस प्रकार से इस पूरे वृत्तांत को अपने जीवन में लिया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है समझना, भक्तों के लिए खासकर, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं और कई बार हमको लगता है कि भगवान थोड़े कठोर हो गए हैं मेरे जीवन में। हम नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली भगवान की कई बार कठोरता भी, वो भी भगवान की ही कृपा है, वो भी भगवान की कृपा है, हम ये नहीं देख पाते हैं। क्या हुआ, परीक्षित महाराज को जब ये शाप मिला, परीक्षित महाराज इतने प्रसन्न हो गए। हम में से कौन प्रसन्न हो जाएगा, आज हमें पता लगे आज के सातवें दिन मैं मरने वाला हूं हम लोग सेलिब्रेशन मनाएंगे, चलो भाई सब लोग मिलो आओ बढ़िया है, नहीं। और परीक्षित महाराज जो है उसने भगवान का हाथ देख करके कितने प्रसन्न हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान मैं इतना माया में लीन हो गया था, मैं इतना अपनी फैमिली के अंदर में जो है फंस गया था कि मैं प्रैक्टिकली भूल गया था कि यह मानव जीवन कितना मूल्यवान है, एक दिन इसका अंत हो जाएगा। वो कहते हैं कि भगवान आपने इस ब्राह्मण के शाप के रूप में आकर के मेरी प्रोटेक्शन की है, इस ब्राह्मण के शाप के रूप में मैं आपको देख रहा हूं कि मैं इतना आसक्त था अपने किंगडम से, अपनी फैमिली से, मुझे अनासक्त करने के लिए कि और कितने दिन भोगोगे, अब तुम्हारे पास केवल 7 दिन है, अब तो होश में आ जाओ। वो कहते हैं भगवान यही आपकी कृपा है, ब्रह्म शाप रूपम, इस ब्राह्मण के शाप के रूप में मैं केवल आपको ही देख रहा हूं भगवान। और देखिए एक्चुअली वो भगवान की कृपा ही थी, भगवान की प्रोटेक्शन ही थी, क्योंकि शाप के बाद में तुरंत जो है परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, त्यागने के बाद में सीधा गंगा नदी के किनारे जाकर के बैठ गए और उन्होंने व्रत लिया, भगवान इन 7 दिन एक क्षण भी नहीं गवाऊंगा, सोने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं, खाने के लिए भी नहीं, पीने के लिए भी नहीं, ये 7ों दिन मैं केवल आपके बारे में सुनना चाहता हूं। और देखिए भगवान की कृपा इतनी महान है, ऐसे महान संत व्यासदेव के पुत्र सुखदेव महामुनि, सुखदेव गोस्वामी अनायास ही सडनली वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने 7 दिन तक लगातार परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाई। परीक्षित महाराज दुखी थे कि सुखदेव गोस्वामी जी मेरे पास केवल 7 दिन है, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, ये 7 दिन में मुझे क्या मिलेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुम चिंता मत करो, भगवान की भक्ति के लिए निष्ठा प्रकार से एक क्षण भी काफी है, निष्ठा के द्वारा। और वो उदाहरण देते हैं, कटवांग महाराज तुम्हारे पास में 7 दिन है, कटवांग महाराज के पास में केवल एक क्षण था, उस समय में उन्होंने भगवान को कंप्लीट सरेंडर कर दिया, पूर्ण रूप से शरणागति चले गए और उनको परफेक्शन की प्राप्ति हुई। तो हमें एक्चुअली ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये हमेशा हमारे मन के अंदर में जो है एक धैर्य रहना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, ये विश्वास हमें रहना चाहिए कि हर एक मेरे भक्त के जीवन में भगवान का हाथ है,
उनके बिना सैंक्शन के कुछ नहीं होता है। आज हो सकता है मैं ना समझ सकूं भगवान की प्लान क्या है, लेकिन भगवान की कुछ प्लान है। भगवान चाहता है मैं और उनके ऊपर ज्यादा जो है डिपेंडेंट हूं। तो ये संसार के दुख सुख से हमें जो है अफेक्टेड नहीं हो जाना चाहिए। ये तो सब टेम्परेरी है। दुख सुख क्या, ये जीवन ही टेम्परेरी है, एक दिन सारा जीवन ही चला जाएगा। कौन से दुख सुख है ये हमें समझना है। आज हम लोग सोच रहे इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा दुख है। अरे जब हम लोग चले ही जाएंगे, इस सिचुएशन से ही चले जाएंगे, कौन सा दुख है कि नहीं। आज लगता है कि अरे सर के ऊपर इतना बड़ा भार है, करेक्ट है ना। जरा सोचिए जरा, कई बार हमको लगता है कि अरे प्रभु इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बाहर ही नहीं जा रही है। आप जरा सोचिए, भगवान ने एक क्षण में यहां से निकाल दिया तो गया। कौन सा सुख दुख, कौन से के बारे में आप सोचेंगे, फिर भी वो प्रॉब्लम रहेगी, है ना। गांधी जी भी सोच करके बड़े दुखी थे, अरे क्या होगा भारत का, और क्या होगा, ये होगा वो होगा। आज भी सब चल रहा है, देखिए। हम लोग सोचते हैं मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा नहीं तो क्या होगा। सॉल्व करने वाले हम लोग नहीं है। हमें ये सोचना है, ये संसार दुखाल्य है। इसको भगवान ने ऑलरेडी रबर स्टैंप लगा के रखा है, दुखाल्यम अशाश्वतम। यहां पर हम लोग सोच रहे हैं कुछ एडजस्टमेंट करके सुखाल्य हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। भगवान की क्या प्लान है वो उसे हमें समझना है। तो ये यहां पर बताया गया है कि भगवान जो है उनकी कृपा सबके लिए प्राप्त है, असुरों के लिए भी प्राप्त है, तो डेफिनेटली भक्तों के लिए तो डेफिनेटली प्राप्त होगी। तो भगवान के ऊपर हमें डिपेंड होना है, भगवान के ऊपर निर्भर होना है, और भगवान के प्रति जो है अपनी साधना करके भक्ति को बढ़ाना है। इसके साथ समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की।